ऊपर हो नहीं रहा है। हाँ, कल हम लोग जब अपने शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे, वो पुलिस ने हम लोगों के ऊपर बहुत ही ब्रूटली हम लोगों को मारा है। बेरसराय के उधर हम लोगों को धक्का दिया गया, ब्रूटली हम लोगों को मारा गया है। हम लोगों को मुझे बैरिकेड के बीच में गिरा दिया गया। फिर जब हमारे साथी मुझे खींचने की कोशिश कर रहे थे, तभी उन लोगों ने मुझे फिर से पैर पकड़ के, मेल पुलिस ने मेरा पैर पकड़ के खींचा, तो मैं जब गिरी तो फिर मुझे उधर से खींचते हुए साइड में लेके गए। फिर मुझे लाठी चार्ज हुआ है मेरे ऊपर, यू कैन सी स्कार्स ऑन माई हैंड्स। उसके बाद चार पुलिस ने मेरा हाथ पैर पकड़ के मुझे खींचते हुए मुझे डिटेन करने की कोशिश किया गया। उसके बाद जब मैं वॉमिट किया, व्हेन आई वॉमिटेड इन फ्रंट ऑफ द पुलिस वैन, उन लोगों ने बोला कि कुछ नहीं हुआ है बेटा, तुम चढ़ जाओ वैन पे। हम लोग जब वैन पे चढ़े, हम लोग जब वैन पे चढ़े, हम लोगों को बहुत सारे स्टूडेंट्स इंजर्ड थे। हमारे साथ एक फिजिकली चैलेंज एक स्टूडेंट था, उसको बहुत तरीके से पीटा गया। देयर वॉज नो मेडिकल फैसिलिटीज, एक स्टूडेंट बेहोश हो गया था, एक स्टूडेंट के कान से खून निकल रहा था, लेकिन हम लोगों ने बार बार मांग की कि हम लोगों को मेडिकल फैसिलिटी चाहिए। एक स्टूडेंट लगातार एक घंटे तक बेहोश रहा, लेकिन फिर भी उनको कोई मेडिकल फैसिलिटी नहीं दिया गया। उस टाइम पे हम लोगों के वैन में हम लोग छह से ज्यादा फीमेल स्टूडेंट्स थे, बट देयर वर नॉट अ सिंगल फीमेल पुलिस ओवर देयर। इवन जब हम लोग को डिटेन किया गया, जब हम लोग पुलिस स्टेशन पहुंचे, हम लोग पूछे कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं, बिकॉज वी आर नॉट फीलिंग सेफ, क्योंकि देयर वर ओनली मेन पुलिस एंड वी आर अ लॉट ऑफ फीमेल स्टूडेंट्स वेर देयर, उन लोग कोई जवाब नहीं दिया। तो हम लोग जब डिटेन, हम लोग को पूछा, हम लोग को बहुत सारी जगह पे लेके गए, उधर भी फीमेल पुलिस नहीं थी। बाद में फीमेल पुलिस की जब हम लोगों ने मांग किया, तब फीमेल पुलिस भेजा। वी ऑल वर ब्लीडिंग, हम लोगों के हाथ से, पैर से, कान से खून निकल रहा था, फिर भी कोई हम लोगों को एक मेडिकल फैसिलिटी के लिए आया नहीं। जब हम लोग के टीचर्स पहुँचे, तब वो लोग मेडिकल फैसिलिटी लेके पहुँचे। इवन जब हम लोग वापस आ रहे थे, क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं थे, हमारे सामान छीन लिया गया था, हम लोग बैग छोड़ दिया था, जूता चप्पल कुछ नहीं था, तो हम लोग जब पुलिस बस में वापस आ रहे थे, हम लोगों ने बोला कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो डे स्कॉलर्स हैं, जिन लोगों को मेट्रो से उन लोगों को घर जाना होता है, वो लोग कैसे घर पहुंचे अगर वो लोग कैंपस से चले, क्योंकि दैट वाज पास्ट सिक्स एंड पास्ट सनसेट। उस टाइम तक लड़कियों को वो लोग डिटेन नहीं कर सकते, लेकिन तभी भी उन लोगों ने छोड़ा नहीं। हम लोगों ने मांग किया कि नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन पे हम लोगों को छोड़ दिया जाए, कि जो लड़कियां डे स्कॉलर्स हैं वो लोग घर पहुंच पाए, लेकिन उसके बाद भी नहीं किया गया है। मुझे मेल गार्ड्स ने ऐसे खींच के मारा, I can't move my hand. They pressed on my chest and very brutally. They molested all the girls. And उन लोगों ने पहले ही मेरे पैर में बहुत जोर का मारा है, मेरे पैर में कट आ गया। अगर पुलिस की लाठी होती है तो ऐसे स्कार्स आते हैं, लेकिन जो कट्स आती है वो पुलिस की लाठी से कैसे हो सकती है, वो हम पूछना चाहते हैं दिल्ली पुलिस से। ये लोग बोल रहे हैं कि इन लोगों ने लाठी चार्ज नहीं किया, तो इसका पैर टूटा है, शशि के पूरे बॉडी में स्कार है, सर फूटा है, जितेंद्र भाई का लगा है, मेरे पूरा हाथ में स्कार्स हैं, तो कैसे लगा अगर लाठी चार्ज नहीं हुआ। हम लोगों ने तो खुद को मारा नहीं होगा। मीडिया से हम लोग दरखास्त करना चाहते हैं कि हमारा कोई ऑफिशियल आके हमसे बात करता नहीं, हमारा VC आके हमसे बात करता नहीं, हमसे कभी मिलता नहीं। अगर कुछ मीडिया से अगर वो मिल रहा है, एटलीस्ट वो मीडिया
मीडिया जो है वो अपना मीडिया होने का फर्ज निभाए, और जिस कारण के वजह से आज मीडिया बना है उस कारण को रखा जाए और सच को दिखाया जाए। और हम लोग बाकी मीडिया से अपील करना चाहते हैं कि वीसी के साथ वो लोग बात करें, वो लोग अपील करें कि वीसी अपने स्टूडेंट के साथ बात करें और हमारी जो मांग है वो पूरी किया जाए। जो फीस हाइक हुआ है उसको घटाया जाए, क्योंकि अगर ये फीस हाइक होता है मैं खुद इस JNU में अपना डिग्री कंप्लीट नहीं कर सकती। मेरे जैसे तमाम स्टूडेंट है जो JNU में डिग्री कंप्लीट नहीं कर सकते, तो उनके भविष्य के लिए, देश के भविष्य के लिए हम लोग चाहते हैं कि हम अपना डिग्री कंप्लीट कर पाए और आगे पढ़ पाए। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।